कि जब वो विक्रमा अपनी भाभी को उस कोतवाल के साथ में देख लेता है, ये कहने लगा मैं तो तुझे मां समान समझता था, लेकिन तूने तो हमारी इज्जत को बर्बाद कर दिया। अरे तू मेरी भाभी कहलाने के लायक नहीं है। आज तेरी सारी करतूत अपने भाई बरतरी के सामने जाकर बताऊंगा। प्रेमी श्रोताओ, जब तक वो विक्रमा राजा बरतरी के पास पहुंचा, दूसरी तरफ रानी पिंगला ने नगर सेठ से ये कहा कि तुझे राजा बरतरी के दरबार में जाके राजा बरतरी से ये कहना है कि जो तुम्हारा छोटा भाई विक्रमा है वो हमारी बेटे की बहू को गंदी नजर से देखता है, और जो तुम्हारा भाई विक्रमा है उसके हाल चाल कुछ ठीक नहीं लगते। दूसरी तरफ से पिंगला ने भी ये त्रिया चरित्र फैला दिया कि पियाजी जो आपका छोटा भाई है ये मुझे भाभी की नजर से नहीं बल्कि ये मुझे अपनी बहू बनाना चाहता है। ऐसा जाल फैलाया राजा बरतरी। प्रेमी श्रोता, विक्रमा को फांसी का हुक्म सुना देते हैं, और जैसे ही फांसी का हुक्म सुनाया, जैसे ही जल्लादों ने विक्रमा को पकड़ा, तो वो विक्रमा ये कहने लगा भाई बरतरी, तेरी आंखों पे जो पिंगला के प्यार की पट्टी बनी हुई है, जिस दिन ये पट्टी तेरी आंखों से हटेगी उस दिन तुझे पता चल जाएगा कि कौन सच्चा था और कौन झूठा। अरे जैसे ये आज मुझे मरवा रही है ऐसे ही एक दिन तुझे भी ऐसे ही मरवाएगी। भाई मेरी बात याद रखना, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ लेकिन तुझे समझाना चाहता हूँ। वो विक्रमा अपने बड़े भाई बरतरी को क्या समझाने लगा, हे रे आज का बोलिया याद रखिए, हो
जाना कोई और फांसी हो।